गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वोगोट्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वोगोट्स्की ने बालकों से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालकों में हर प्रकार के विकास में उनके समाज का विशेष योगदान होता है। उन्होंने बताया कि समाज से अंतः प्रक्रिया के फलस्वरूप ही उनमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। यदि उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरों के हित चिंतन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता है। वह इस आयु में गुड्डे गुड़ियों, खिलौनों, मूर्तियों आदि को निर्जीव पदार्थ तथा पशु पक्षी, मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस उम्र में बच्चा जो है सिर्फ ईंट के प्रभाव में ही होता है। फ्राइड के अनुसार शिशुओं के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण में इसमें बहुत आसान नहीं की जा सकती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकतर बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियाँ अपने वय समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। समूह के प्रति उत्पन्न भावना अब केवल होली या गृह विशेष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। किशोर अवस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्कों का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। व्यक्तिगत विशेषताओं के अतिरिक्त संस्कृति, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यौन संबंधी स्वतंत्रता और जानकारी इत्यादि उनकी सामाजिक रुचियों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। इसी के साथ वोगोट्स्की ने एक और सिद्धांत बताया जिसे हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रोमैक्सियल डेवलपमेंट या निकटता या समीपता का सिद्धांत। अधिक ज्ञान के लिए यह वोगोट्स्की का दूसरा सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन लेव वोगोट्स्की ने किया था। इस सिद्धांत का मुख्य प्रत्यय यह है कि बच्चे किसी संबद्धता में अधिक सीखते हैं। इस प्रत्यय में बताया गया कि बच्चा स्वतंत्र होकर क्या करता है और किसी के निर्देशन में कैसा व्यवहार करता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा किसी पहेली को स्वयं के द्वारा हल नहीं कर सकता, जबकि एक बच्चा अपने पिता के निर्देशों में उसी पहेली को कम समय में सॉल्व कर सकता है। वोगोट्स्की ने देखा कि जोन ऑफ प्रोमैक्सियल डेवलपमेंट के अनुसार किसी बच्चे को माता पिता के निर्देशन में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बच्चा अपने कौशलों को विकसित कर सकता है और इसके साथ साथ अपनी मानसिक क्षमता और कौशलों का सही उपयोग करके सामाजिक व्यवहार भी कर सकता है। वोगोट्स्की ने बताया कि समूह में या साथियों में रहकर अपने कौशलों को समय पर विकसित बच्चा अपने कौशलों को समय पर विकसित करता है और उससे अध्यापकों का सुझाव दिया जाता है कि सीखने के व्यवहारों में कौशलों को विकसित करें तथा छात्रों के कौशलों के विकास में बालक की सहायता करें। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि बालक स्वतंत्र रहकर तथा किसी व्यक्ति के निर्देश में रहकर उनके कौशलों को विकसित करके उसमें सामाजिक विकास किया जा सकता है। देखो, इसमें जो है वोगोट्स्की ने सीधे सीधे बताया है कि कोई भी बालक वो तीन तरीके से कार्य करता है या उसके कार्य करने को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो वह बिना किसी भी के भी सहायता से स्वयं कर सकता है। उसके बाद दूसरे प्रकार के कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उसे किसी न किसी की थोड़ी बहुत सहायता चाहिए होती है या निर्देशन चाहिए होता है, जिनको वो कर सकता है। तीसरे प्रकार के कार्य ऐसे होते हैं जो वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो दूसरे प्रकार का कार्य है जिसमें उसे किसी की थोड़े बहुत निर्देशन या सहायता की आवश्यकता है, उसी को उसने कहा है जोन ऑफ प्रोमैक्सियल डेवलपमेंट। और जो शिक्षक है, जो अभिभावक है, उसका कार्य बस उसको इस स्टेज में उसको निर्देशित करना है।
शिक्षक का कार्य इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसको इस स्टेज के बच्चे की इस स्टेज को पहचानना आना चाहिए कि वो ये कार्य जो है खुद से नहीं कर पा रहा है, तो उसको किस प्रकार से निर्देशित किया जा सके, निर्देशित किया जाए ताकि वह कार्य करना सीख जाए। दूसरी बात वोगोट्स्की ने यह भी बताई कि जब तक बच्चा इस जोन ऑफ प्रोमोक्सियल डेवलपमेंट से बाहर नहीं निकल आता तब तक उसे कोई नया कार्य नहीं सिखाना चाहिए। और उसने ये भी बताया कि अगर आप बच्चे को सही ढंग से इस अवस्था में निर्देशित कर देंगे तो वो बहुत आराम से ही सीख जाएगा सब कुछ, उसको आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही उसे उसमें उस चीज़ को सीखने के लिए ज़्यादा ही प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है, कल फिर हम लोगों की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे सीखने का वक्र और सीखने का स्थानांतरण। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।